सारे नहीं, सन इज डिसेबल्ड। एक बार, आठ बच्चे हैं, कितने हैं लड़के, कितने लड़कियाँ? पांच लड़के हैं, तीन लड़की हैं। और बड़ा लड़का किस उम्र का है? वो 16 साल का है, तो बोलता नहीं है, बेजुबान है, सुनता नहीं है। इंशाल्लाह उसको भी स्कूल में दाखिल करेंगे। आप बताएं किधर से? अच्छा, अली बात सुन सके सर। स्केसर से? जी भैया, इधर ही रहते हैं जी। बेटा बहुत हो गया ना, 3 साल हो गए। मैडम, मेरे बच्चे बहुत, उसके साथ वो ख़त्म हो गया। अच्छा? एक बेटा है 18 साल का। हाँ। वो इधर दफ्तर में चाय शाय बनाते हैं। 16,000 तनख्वाह है, 10,000 किराया बिल चला जाता है, बकाया ये 12,000 देते हैं ना, ये 6 महीने में हमारा निज़ाम चलता है। ये उसका डर सर्टिफिक है। अच्छा, इनके लिए, इस तरह के लोगों के लिए हम जो अपना नया पाकिस्तान हाउसिंग कर रहे हैं, जब वो हमसे अब डेटा लेंगे नया पाकिस्तान वाले, जो लो कॉस्ट हाउसिंग होगी, तो फिर इसी किस्म के जो हमारा प्रोग्राम है ना, उसके साथ एक मिनट सुनो, एक प्रोग्राम है हमारा हुकूमत के साथ जी, लो कॉस्ट हाउसिंग, वो सबसे इस वक्त चल रहा है मेरे ख्याल में। उनको क्योंकि इनका किराया है, तो वही पैसा उधर चला जाएगा, पैसा इनका बच जाएगा। खटक साहब बहुत हमारा ख्याल रखते हैं, उन्होंने मेरा कार्ड देना बिल वाला बनाया था, एहसास वाला जो है। जी जी जी, आप जी वैसे नहीं मिले होंगे, बेनजीर गए जब पहले तुम्हारी ये शनाख्ती कार्ड, वो वाला क्योंकि प्रोग्राम बंद हो गया ना। अच्छा, इसलिए आपको दूसरे में शामिल किया। अच्छा ठीक है। अच्छा, तो कितने कितने बच्चे? 7 बच्चे माशाल्लाह, 3 लड़कियाँ, 4 लड़के। कितनी उम्र के? 22 साल का है, तो दूसरा जो है लड़की है ना 21 साल की है। तो काम करते हैं? नहीं, काम नहीं है, बेरोजगार है। बेटा दोनों का काम नहीं है। अच्छा, और बाकी जो छोटे हैं वो क्या पढ़ते हैं? वो पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में लगे हैं। तो फिर तो नहीं है ना दूसरे स्कूल में हम पढ़ा सरकारी, ठीक कर लीजिए। रेडियो का प्रोग्राम है ना, वो उसको और तेजी से करें। आप स्केल कर रहे हैं, क्योंकि मैंने वो जाके देखे थे, वो बड़े लोग बड़े खुश थे उससे। जी, उसको आप G11 में पूरी तरह डिप्लॉय करेंगे, फिर 15 और साइट्स आइडेंटिफाई की हुई हैं, तो उस पर एक बेहतरीन तरीका रोजगार देने का लोगों को, और वो फिर बड़ा उसका, और उनको तंग भी नहीं करते, उनके पास जगह भी सेट हो जाती है, जगह एक किस्म की मोबाइल दुकानें बन जाती हैं। वो जरा स्केल करें प्लीज। जी जी, आप बताएं कितने बच्चे? पश्तो बोल दिया इनको, बोल दिया तो माशाल्लाह तमा वो बच्ची जी खावन माजूर है। 7 बच्चे हैं, हस्बैंड डिसेबल्ड है, माजूर है जे, उन्हें शुगर की बीमारी, ब्लड डायबिटीज। अच्छा, बच्चों की क्या उम्र है? बच्चों को दादी कमा के रहनी है। बच्ची 100 कालो दी, बच्ची अलग शलो काल ने 20 शलो काल। अच्छा, काम कर रहे हैं कोई? उन्हें दादी कर दी यहाँ गई अस्पताल के का। ग्रैंडमदर वर्क्स इन अ हॉस्पिटल, ग्रैंडमदर स्टाफ के, मदर इन लॉ वर्क्स इन अ हॉस्पिटल। खावन दिश्ता? हाँ, हमन मिश्ते माजूर है, शुगर बीमार माजूर है। एवरी हाउस हैज जी, बताएं पश्तो में बात। उर्दू जो बोलो, मैं अपन अल्लाह सम माजूर है, वो सारे तीन जमी बच्चे इधरे में सारे लकान दी, सारे लकान दी, वो यो चीन यो जीने है माजूर है। अच्छा अच्छा, खावन में चले, खावन में दास है, वो आन वखी में टकई में बीमार मुसे में दोना डेरे हुआ खलम से दिन तरात लम दा वो हस्बैंड, हस्बैंड इज बैटर्ड हर वो गेरा तशला वली दे दोस गोरमा खा, उस गोरमा शी जस्ट सेड द हस्बैंड इज हिट हर। खलास में पहला माजूर है, प्यार वर कड़े में बदल बाने गाचे दिन प्लार में मुड़ सो दरे में आश्ती हुआ तेरे खावन मेरा सर सम जलम कई बीबी तक के नजर तासर खबर रखो माफा। दिस इज ऑल द मेरा पोतरा की न था माँ ने पेट दे चुदे रसोली सी
تے میں نے علاج کروایا کسی کولو پیسے پکڑ پکڑ کے تے میری نوں دا کوئی ولواس نہیں ہے نہ ماں نہ بہن نہ بھا کوئی کلی تے او دے دو بچے میرا بیٹا پاؤڈر پیندا ہے تے او بڑی بڑی پریشان رہندی تے بچے نہیں پڑھدے بالکل میں کوئی ٹھکانی ہے تو وہ بچوں کو لیا کے دینی ہے مزدوری نہیں ہے کوئی بھی دیز آر آل آر بینیفیشریز آئیڈینٹیفائیڈ تھرو دا نیو سروے میرے بچے بچے چھوڑنے بچیاں وڈیاں نے بچے کی شادی تے آ رہی بس مجبور ہاں مالی حالات بہت خراب نے بچے چھوٹے نے بچیاں وڈیاں نے ہاں جڑے بیمار نے سال کے 12 مہینے بس الٹی بس ہو جس طرح دماغ انہوں نے کام نہیں کرتا سبھی میں بات کرتی ہوں اچھا میرے پاس چھ بچے چار بیٹیاں دو بیٹے بیٹے چھوٹے میں بہت مجبور ہوں میرا گھر میں ایک ہی کمرہ ہے کچن بتھروم کے اوپر چھت بھی دی بالکل اس کے اوپر چھت دی بارش ہوتی ہے سو میرے آپ ریاست مدینہ کی طرز پر فلاحی ریاست کی تشکیل جس میں دو اصولوں کے تحت کام کیا جاتا ہے مستحقفات کی کفالت اور قانون کا یکساں نفاذ اسی طرز پر کام کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان احساس سیونگ والٹ کے آغاز کی تقریب سے خطاب کے بعد مستحق خواتین سے گفتگو کر رہے تھے معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر ان کے ساتھ ان خواتین کے مسائل سننے کے بعد ان کے حل کے حوالے سے بھی انہوں نے خصوصی طور پر ہدایات جاری کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر